गाइस, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आज मैं अर्पित को देने वाली थी सरप्राइज़। उसके वजह से मैं ऑफिस से जल्दी आई और मैंने सब तैयारी कर ली, सब सब हो गया। और उसके बाद मैंने अर्पित को फ़ोन किया। देखो मेरी हालत भी चिपकू चपकू, मतलब मैं अभी तक शॉपिंग कर रही थी। शॉपिंग मतलब शॉपिंग नहीं, जस्ट थोड़ा बड़ा चीज़ ले रही थी अर्पित के बर्थडे के लिए, सेलिब्रेशन के लिए, सजाने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मैंने अर्पित को बोला था कि आप टिफ़िन लेके जाओ, फिर मैं डेकोरेशन वगैरह करती तो तब तक हो जाता। बट अर्पित ने मेरी बात सुनी नहीं और उन्होंने टिफ़िन नहीं लेके आए। और मैं अभी ऑफिस से आई हूँ, मैं डेकोरेशन करने वाली थी और पूरा प्लान चौपट हो गया। सो हे गाइस, सो जैसे कि मैंने बोला था कि अर्पित आएंगे और बाद में वो चल जाएंगे ना खाना खाने के बाद। सो आज मैं बहुत ही गंदी दिख रही हूँ, बिकॉज़ मैंने कुछ बहुत टाइम से खाना भी नहीं खाया था। बस उसी में लगी हुई थी कि मुझे कुछ करना है, कुछ सेलिब्रेशन का सजाना है वगैरह वगैरह। तो अभी अर्पित गए हैं, तो वो जब अभी गए हैं तो मतलब मैं अभी पूरा मेरा काम करूँगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मैंने कुछ चीज़ें लाई है, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें लाई है और वही मैं सजाने वाली हूँ। सो पूरा डेकोरेशन भी आप देख लो। सो गाइज, ये मैंने कुछ बलून्स खरीदे, हैप्पी बर्थडे वाले हैं ये वाले पूरे। और ये किचन मैंने अर्पित के लिए गिफ्ट लाया था, और एक गिफ्ट मैंने लाया है अर्पित के लिए, वो आपको सरप्राइज़ है। अर्पित जब आएंगे तभी मैं आपको भी दिखाऊंगी। और मेरी फ्लोरू मेरी हेल्प नहीं करने वाली, ये देखो ये क्या काट रही है। ओके, और वन मोर थिंग, इसमें मेरे कुछ सजावट के सामान हैं जैसे कि ये वाले चीज़ें। सो इससे मैं कुछ डेकोरेशन कर पाऊंगी तो मैं करूंगी। फ्लोरा नो। सो ओके गाइस, हम लोग अभी शुरू करते हैं। सो होप सो गाइस मैं आपको दिख रही हूँ। ओके, सो ये वाले हैं बलून। ओ फ्लोरू नो, फ्लोरू इसको भी काट काट रही है। तो बूबू अर्पित की अभी अभी गाड़ी यहाँ पे आई है ना, तो वो बहुत खुश थे, उनको एक किचन लेना ही था। दिस इज़ नॉट दैट मच ऑफ गुड एक्चुअली, बट ठीक है, चलता चलता है। ओ बाबा। ओके, सो अभी ये बलून हम लोग लाएंगे और उसके बाद डेकोरेशन करेंगे। फ्लोरा सिट डाउन, नो चुप। ठीक है, फ्लोरा मुझे खुलाने देगी कि नहीं पता नहीं अभी, लेट्स सी। सो इसे मैंने यहाँ से अभी ओपन करना है। एक्चुअली गोल्डन कलर के मैंने देखे हैं। ओह शिट, मुझे गोल्डन ही लाने चाहिए थे। ठीक है, सो इसका कलर ऐसा ही है। अभी ये इस पर कैसे दिखेंगे, लेट्स सी। क्योंकि दूसरे पिंक वाले थे, पिंक वाले लड़के के बर्थडे में कैसे लिखेंगे ना, दैट्स व्हाई मैंने यही खरीदे। नो नो, इसके साथ उन्होंने बोला था कि एक स्ट्रिप आएगी जो कि मुझे फुलाना है उसको। नो no! बट वो तो मुझे कभी दिखी ही नहीं। सो गाइज, बहुत गंदी तरीके से मेरे साथ आज क्या हो रहा है पता नहीं। बाय गाइज, मैं अभी आपको मिलती हूँ वापस आने के बाद। होप सो कंप्लीट हो जाए टाइम के अंदर। हाय गाइज, तो ये मैं लेके आई, इसके साथ ये था और उस आदमी ने ये मुझे दिया ही नहीं था। सो अभी मैं पटापट करूँगी इसको रेडी। उसको मैंने वहाँ से इसको फुला के दिखाने के लिए बोला था, सो ये फुला के लाई मैं। अभी मैं इसको करूंगी फ्लोरा नो। सो अभी स्टार्ट करती हूँ इसको फुलाना, उसके बाद बाद की डेकोरेशन। सो अभी ऐसे ही मैं बाकी फुला के लूंगी, तो उसके बाद आपको मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय। कंप्लीट हो गए। अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, तो ये वाला मेरे बेडरूम का कॉर्नर है, तो इसे मैं सजाने वाली हूँ। ये पूरा वाइट ही है, बट अभी इसको ही मुझे सजाना पड़ेगा। फ्लोर कम कम इनसाइड। सो गाइज, ये है मेरा ये पूरा वॉल,
और ये मेरा है बेडरूम का पूरा कॉर्नर, सो मैं इससे सजाने वाली हूँ अभी, मैं यही दिखाने वाली थी। अभी मैं रख देती हूँ उसको ट्राईपॉड पर, आप देखो मैं क्या क्या करती हूँ। बिकॉज हॉल में बहुत सारा शूट हो चुका है, दैट्स वाई मैं चाहती थी कि इस वॉल पे मैं कुछ करूँ। हाँ अभी व्हाइट कलर ही है मेरे पास, सो लेट्स सी हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, हम लोग देखते हैं। गाइस मैं तो रेडी हो चुकी हूँ, अर्पित अभी आ रहे हैं, वो बाहर ही रुके हुए हैं। मेरे बाल अभी भी गीले ही है, मैंने आज वॉश किए बाल मेरे, और मैं आपको फ्लोरा दिखाती हूँ वन सेकेंड। फ्लोरा को ड्रेस अच्छा नहीं लगा शायद, वो ड्रेस कितना ये कर रही है। फ्लोरू, ये है फ्लोरू का ड्रेस, आज फ्लोरू ने न्यू ड्रेस पहना है ना फ्लोरू। सो मैं और फ्लोरू तो रेडी हो चुके हैं, अभी अर्पित आएंगे और तब आपको दिखाएंगे हम पूरा डेकोरेशन, जो कि फाइनल लुक आपने नहीं देखा है तो वो वाला देखेंगे, और उसके बाद केक गिफ्ट्स बहुत सारे सरप्राइज है आपके लिए भी और अर्पित के लिए भी। फ्लोरा को अच्छा नहीं लगा शायद उसका ड्रेस, तो हम लोग अब वेट करते हैं अर्पित का, वो आने के बाद आपको आपको देखी जाएगा। बाय। और फिर मंदिर जाके आए हैं, उधर मत देखना। ओके। पहले फ्लोरा को उठाओ। डोर बंद करो। और ये हमारे घर के साइड के भैया का है, और भगवान जी को दर्शन ले ओ, दर्शन लो, जय जय करो। गुड गर्ल तुम्ही पण। फ्लोरा पण एक्साइटेड आहे तुम्हाला दाखवण्यासाठी। फ्लोरू चलो फ्लोरा को पकडो, अभी जाएंगे हम अर्पित को देंगे सरप्राइज। तो उससे पहले अर्पित रहेंगे यहाँ पे ही, यहाँ ही रहो। अभी एंट्री करो। हैप्पी बर्थडे अर्पित। अभी मैं पहले अर्पित को दूंगी गिफ्ट, उसके बाद अर्पित को जो भी गिफ्ट है उसके बाद आपको आगे का समझ में आ ही जाएगा। सो अर्पित प्लीज सिट देयर। आपके लिए भी सरप्राइज है मुझे पता है, और मेरे फैमिली मेंबर जो भी फैमिली मेरे सब फैमिली मेंबर्स को भी वो सरप्राइज है, किसी को भी नहीं पता, तो मैं उनको गिफ्ट दे रही हूँ। ये इसमें दो गिफ्ट्स है, एक गिफ्ट फ्लोरा की तरफ से, एक गिफ्ट मेरे तरफ से। थैंक यू सो मच। थैंक यू फ्लोरू।
ओपन करो पहले, उसके बाद केक भी कट कर। तो मैं आपको पास से दिखाती हूँ क्या गिफ्ट है। इनसाइड, व्हाट इज इनसाइड, कैन आई गेस? पहले निकालो जल्दी से, क्योंकि सबके लिए सरप्राइज है वो गिफ्ट। वाओ, जैकेट। ओह, ये डेनिम का जैकेट है। वेरी ब्यूटीफुल। नो, पहले आप पूरा तैयार मतलब फ्रेश वगैरह होके इसको वेयर करो, और उसके बाद आपको केक भी कट करना है। सो वो साइड पर रखो, दूसरा गिफ्ट देखो फ्लोरा का। छोटा सा गिफ्ट फ्लोरा की तरफ से, अच्छे से कट करो उसको भी। तुझं गिफ्ट बघा था, फ्लोराला माहिती आहे, फ्लोरानी चावलं पण त्याला। अरे बापरे, फ्लोरानं उसको इतना चबा चबा के दिया है गिफ्ट को। को पता है। वाओ, अर्पित के गाने के लिए। थैंक यू। फ्लोरा वेलकम बोल रही है। तो अभी अर्पित होंगे फ्रेश, उसके बाद इसको वेयर करेंगे, और उसके बाद आप केक कटिंग करेंगे, उसके बाद हम लोग बाहर जाने वाले हैं। बहुत ही अच्छा जैकेट है, मुझे बहुत पसंद आ गया। अर्पित के ऊपर सूट भी बहुत कर रहा है। फिर से एक बार, वाओ। और बहुत अच्छा, एक चीज और लगी मुझे कि उनको फिट आ गया, मतलब जैकेट फिट हुआ, फिट आ गया। तो अभी बारी केक लाने की। कर आता मैं स्थानापन्न होतोय माझ्या सीट वर। तो मैं अभी केक लाती हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने केक नहीं बनाया। अच्छा, मैं बोलने वाला था कि यार बहुत बढ़िया। अब तो कट करो। तू बने ना फ्रंट कैमरे से। नहीं करा ना। सो सगळे जण बघतील आपल्या घरची आपली फॅमिली या, कारण आपल्याकडे चाकू यूज नसतात करत। हॅपी बर्थडे टू यू, हॅपी बर्थडे टू यू, हॅपी बर्थडे, हॅपी बर्थडे, हॅपी बर्थडे टू यू, मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे। थोडासा केक रफ झाला ना। ओके, नाही मी नाही बोलत दर्शन करके आ गए मंदिर से, क्योंकि यहाँ के टेम्पल्स बंद हो जाते हैं। सात बजे क्लोजिंग टाइम रहता है, इसलिए मैं नहीं जा पाई क्योंकि बाहर गए थे। बाहर से दर्शन करते हुए आ गए। सो अभी हम लोग बाहर जाएंगे अर्पित का बर्थडे सेलिब्रेट करने, और हमारे फ्रेंड्स भी नहीं है यहाँ पे ज्यादा, दैट्स वाई हम किसी को बुला नहीं पाए। हम दोनों ने ही सेलिब्रेट किया, दोनों मतलब फ्लोरा भी, तीनों ने। सो गाइस, आपको अगर हम दिखा पाए तो वीडियो बाहर का हम दिखा, आपको मिलते हैं डायरेक्ट उस जगह पे जहाँ पे हम सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं। बाय गाइस। और हाँ, मेरा डेकोरेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब माय चैनल। अरे, रिटर्न गिफ्ट बाकी है। एक्चुअली मैंने होप नहीं किया था अर्पित कभी भी सरप्राइज नहीं देते। मुझे चॉकलेट्स बहुत अच्छे लगते हैं। बर्थडे मजा आएगा तुमसे। नेकलेस फॉर यू। वाओ, बहुत प्यारा है। सो आपको मैं इसका एक वीडियो दिखा दूंगी। मैं इसको अभी वेयर नहीं कर सकती बिकॉज ये इंडो वेस्टर्न है वैसे। हाँ,
सो गाइस ये नेकलेस वैसे तो मैंने पहले ही देखा हुआ था बट कैसे ना मैं ले ही नहीं थी, बहुत महंगा था ऐसा मुझे लगा था इसलिए मैंने नहीं लिया था। अर्पित को भी बहुत अच्छा लगा था इसलिए अर्पित मेरे लिए खरीद के लाया। ठीक है, नेकलेस बहुत अच्छा है बट ये हैंड हैंड ग्लोव्स है। बट थैंक यू सो मच, मुझे गाड़ी पे मैं जाती हूँ ना मेरे जॉब के लिए तब बहुत ज्यादा ठंड है पड़ी हुई है बैंगलोर में, देख नहीं पाया वो थरथरा के हुए ऑफिस जाते हुए। तो इन्होंने मुझे हैंड ग्लोव्स गिफ्ट किया है, बहुत लंबा है बट ठीक है, बट थैंक यू सो मच, मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है इसलिए बोल रहे थे मैं दूसरा वाला गिफ्ट दू या ना दू, नहीं दू नहीं थोड़ा यूजफुल है बट मुझे नहीं पता है वो क्या मेरे नहीं नहीं बहुत नहीं बहुत यूजफुल है, मतलब मुझे मैं ठंडी से ऐसे कपकपाते जाती हूँ ऑफिस में तो ये मुझे मेरे लिए बहुत यूजफुल था। और ये मेरा खुद का इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉपिंग मतलब एकदम स्केटरिस लगे ओ गॉड, मला हे खूप आवडलं पण सर्वात जास्त थँक यू सो मच, मला हे खूप दिसायची इच्छा। जाते है बाहर, आपको मिलते है बाहर या टिल देन स्टे ट्यून्ड, पता नहीं अभी बाहर निकल पाए वीडियो तो ही। सो गाइज वन मोर थिंग जो कि रह गया है अर्पित का क्षण करना पार्टी रह गया। तो गाइज हम जहाँ पे खाना खाने आए थे वो मराठी होटल था, मराठी रेस्टोरेंट मस्त मराठी नाम का। और बेस्ट बात यहाँ के स्टाफ ने हमें एक कॉम्प्लीमेंट भी दिया, बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्यूट कपल के नाम का। तो हम लोग अभी यहाँ से निकलेंगे, अभी डायरेक्ट मिलते हैं घर पे। सो गाइज अम्मी अभी अभी आए हैं बाहर से खाना वगैरह खा के और हम फ्लोरो को घुमाने के लिए बाहर लेके आए हैं इसको पार्किंग एरिया में। सो गाइस हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया आज का डे, सो आपने भी हमारा वीडियो एंजॉय किया हो तो प्लीज़ गाइस लाइक करें, शेयर करें माय यूट्यूब चैनल द ठाकरे स्क्वायर्ड।